दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ हेटेप अकाउंट के बारे में। ओप्पो ने कुछ दिन पहले अपने ओप्पो डिवाइसेस में एक नोटिफिकेशन भेजा था जिसमें लिखा हुआ था कि 15 सितंबर से आप सभी को हेटेप अकाउंट मिलना शुरू हो जाएगा, मगर अभी तक ओप्पो की तरफ से कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आई है। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आप हेटेप अकाउंट का अपडेट कैसे लें। चलिए दोस्तों मेरे पे कुछ टाइम गवाए, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप अपने ओप्पो अकाउंट को हेटेप अकाउंट में कैसे अपडेट करें। पहले आप अपने ओप्पो के फ़ोन्स के ऐप मार्केट को खोलें। ऐप मार्केट खोलने के बाद सर्च बार में सर्च करें माई ओप्पो। माई ओप्पो सर्च करने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक माई ओप्पो बोल के एप्लीकेशन देखने मिलेगा, उस ऐप को आप अपडेट कर लीजिए। मेरा में ओपन दिखा रहा है क्योंकि मैं पहले ही अपडेट कर चुका हूं। आप लोगों के फ़ोन में अपडेट का ऑप्शन दिखाएगा, आप अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स को खोलिए। सेटिंग्स में जाने के बाद एक अकाउंट वाला सेक्शन देखने मिलेगा, उस अकाउंट वाले सेक्शन में क्लिक करें। आप देख सकते हैं दोस्तों ओप्पो अकाउंट अब हेटेप अकाउंट में चेंज हो चुका है। इस अपडेट में आपको कोई नया चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ ओप्पो अकाउंट और ओप्पो इंटरनेट सर्विस जो था वो अब चेंज होकर हेटेप अकाउंट और हेटेप इंटरनेट सर्विस में हो गया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले वीडियो देख सके सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।